अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उसको 4 इंच 8 चांद लग जाएंगे। अगर आप ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके दोस्त आपको कहेंगे ये एप्लीकेशन भाई आपने कहाँ से कर ली। तो दोस्तों, आपने लोगों को ये एप्लीकेशन के बारे में बता देना है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस लाइक के बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं नाइस लुक, ये देख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं या यूनिक लुक लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक लुक, लिख के आपने इसको कमेंट कर देना है, लाजमी आपने कमेंट करना है। उसके बाद जो ऐप का लिंक होगा आपको, ये जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है, व्हाट्सएप चलाते हो तो ये दो ट्रिक सीख लो। आपने दोस्तों इस टाइटल के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एंड पर भी आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन है जिसको मैंने बता दिया, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है ट्यूनल क्रिएटर। मैं इसको क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3D लुक में है और आपको एक अच्छी लुक दे रहा है। इसमें आप या पिक्चर पर क्लिक करें, यहाँ से आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो आप गैलरी में चले जाएंगे, तो आप पिक्चर ये देखिए इनेबल करूँगा तो ये देख सकते हैं एक पिक्चर आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो आप इसको यहाँ दे पिक्चर के नीचे आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं, यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला स्टाइल है तो आपको यहाँ पे काफ़ी स्टाइल्स मिल जाते हैं, वो स्टाइल आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3D पे क्लिक करें, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे आपको इनेबल बम्प मैपिंग मिल जाती है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा या आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कलर्स हैं तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दे सकते हैं। इसको देख सकते हैं मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। अगर मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाहता हूँ अपने, ये वाला वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगाना चाहता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ। अब आप राइट साइड पे देखिए सेटिंग का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, ये कम हो गई है। अब यहाँ पे फोल्डर का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप एक यूनाइट यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कोई और स्टाइल लगा लेता हूँ, जैसे ये वाला स्टाइल है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पर 3rd नंबर पर एक एडो का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें, गो टू वॉलपेपर पर क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना सेट एज वॉलपेपर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। होम स्क्रीन है ना, होम स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन। मैं होम स्क्रीन पे इसको क्लिक करूँगा और दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे इस होम स्क्रीन पर लग चुका है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पिक्चर लगे तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देता हूँ। इसको क्लिक करूँगा, गो टू वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा और इसको सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक करके होम स्क्रीन पर लगा लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है आपके होम स्क्रीन पर। इससे आपके मोबाइल की थोड़ी बहुत ही बैटरी तो डिक्रीज़ होगी, लेकिन आप अपने दोस्तों को एक अच्छी लुक अपने मोबाइल में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।